तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नए वीडियो के अंदर। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं जियो कस्टमर केयर से, बात कैसे करते हैं और जियो कस्टमर केयर का नंबर क्या है। तो दोस्तों अगर आप एक जियो सिम यूजर है, आप जियो का सिम यूज कर रहे हैं और आपके जियो के सिम में कुछ भी प्रॉब्लम आ चुकी है, चाहे वो इंटरनेट की प्रॉब्लम हो या फिर कॉलिंग प्रॉब्लम हो, अब दोस्तों आप चाहते हैं कि आप जियो कस्टमर केयर से बात करें ताकि जो आपकी जियो सिम की प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाए, तो आपको क्या करना है दोस्तों, आपको इस वीडियो को एंड तक देखना है, ध्यान से देखना है। तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा जियो कस्टमर केयर से बात कैसे करते हैं। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको अपना डायलर पैड ओपन करना है, जिस डायलर पैड से आप नंबर डायल करते हैं वो डायलर पैड आपको ओपन करना है। डायलर पैड ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको एक नंबर डायल करना है 198, आपको ये नंबर डायल करना है 198। तो उसके बाद दोस्तों आपको जियो के नंबर से इस नंबर पर कॉल लगानी है। अब दोस्तों आप सभी को इस वीडियो को ध्यान से देखना है और जो जो प्रोसेस मैं करूँगा वही सब आपको करना है। पिछले 5 रिचार्ज, डेटा बैलेंस, प्लान की वैधता और आगामी प्लान के बारे में जानने के लिए 2 दबाएं। नेटवर्क, इंटरनेट कनेक्टिविटी और स्पीड से संबंधित शिकायत के लिए 3 दबाएं। आपको अपने क्षेत्र में इंटरनेट सेवाओं का उपयोग करने में कठिनाई का अनुभव हो सकता है। इस अवधि के दौरान आप ऑनलाइन वीडियो देखने, म्यूजिक स्ट्रीमिंग, सोशल मीडिया ऐप, चैट, ईमेल और अन्य मोबाइल ऐप चलाने के लिए इंटरनेट सेवाओं का उपयोग नहीं कर पाएंगे। हमारी टीम से जल्द ठीक करने के लिए काम कर रही है। आपको हुई असुविधा के लिए हमें खेद है। अगर आपकी शिकायत उस नंबर के लिए है जिससे आप कॉल कर रहे हैं तो एक दबाएंगे। यदि आपको स्लो स्पीड की समस्या आ रही है तो 1 दबाएं। यदि आपका इंटरनेट चलना बंद हो गया है तो, या आपको उपयोग करते वक्त कोई एरर आ रही है तो 2 दबाएं। यदि आपको कॉल करने आपको हुई असुविधा के लिए हमें खेद है, हराने के लिए 0 दबाएं। पिछले मेन्यू में वापस जाने के लिए 7 दबाएं। मेन मेन्यू में वापस जाने के लिए 8 दबाएं। हमारे सलाहकार से बात करने के लिए 9 दबाएं। दोस्तों सलाहकार से बात करने के लिए 9 दबाएंगे। प्रतीक्षा करें और यहाँ पर हमारी जो कॉल है वो सलाहकार के पास जाएगी। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं सलाहकार के पास हमारी कॉल जा रही है, अब थोड़ा सा यहाँ पर वेट करेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से आप कस्टमर केयर से बात कर सकते हैं और जो भी आपकी समस्या है आप उनको बता के आप अपनी समस्या को सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।